चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वो जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तो एक बात बता दूं, मुस्लिम समाज में एक चीज कंफर्म है, 5 टाइम की नमाज होती है। 2024 तक आप ही गठबंधन की सरकार न हुई तो जो कहोगे वो सजा लेने को तैयार हूं मैं। संविधान बदलने के मूड में है मैं, हम संविधान बचाने के मूड में है। पूत का पूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, ये पूत गलत पकड़ लिया आप लोगों ने। मैं चाहता हूं कि जितने भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कृपया सामने आके बैठ जाएं। आज एक बात नोटिस कर रहा हूं मैं, 26 नवंबर को भी था मैं आपके पास, आज मुझे मुस्लिम समाज को ज्यादा जनसंख्या में दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है या फिर मेरा चश्मा कुछ बदल गया, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, डर था मैं भी मान रहा था, मैं भी घुमा हूं क्षेत्र में, किसका डर था? आजाद समाज पार्टी में भरोसा नहीं था क्या आपको? आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की क्षमता है हमारी। वो जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तो एक बात बता दूं, मुस्लिम समाज में एक चीज कंफर्म है, 5 टाइम की नमाज होती है। वो 5 टाइम हमारे बीच में धीर सिंह जी और केसर जी हमारे जिलाध्यक्ष सहारनपुर में हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और राव केसर जी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले स्टेज पे। तो जो मुस्लिम समाज दिन में 5 बार नमाज अदा कर रहा है और अपना अपना सर धरती माँ को स्पर्श कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? अगर कोई है तो बताओ मुझे। तो किस बात का डर है आपको? इस जालिम सरकार का, इसका प्रारंभ तो खतौली की जमीन पर कर दिया आप लोगों ने। वो मैं पिछली बार भी बोल कर गया था, यहाँ से शुरू करो, 2024-24 तक आप ही गठबंधन की सरकार न हुई तो जो कहोगे वो सजा लेने को तैयार हूं मैं, लेकिन मेरा साथ देना पड़ेगा, गठबंधन का साथ देना पड़ेगा। आज गठबंधन से कितने डरे हुए हैं, हमारी गाड़ियां तक रोकी गई। मैं पुलिस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, अग्निवीर बन चुके हैं, जिस गति से सब बिक रहा है ना, ऐसा ना हो कि आपके बच्चे सिपाही वीर बने, हमारा साथ दो, ऐसा होने नहीं देंगे, कंफर्म है हमारा, लेकिन साथ देना पड़ेगा। जब जुल्म बढ़ते हैं तो सभी साथियों को साथ मिलकर चलना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं भारत की जनता से, मैं अनुरोध करता हूं जनता के कि आप लोग गठबंधन का साथ दो। जब गठबंधन होगा तो चाहे कितने भी तिकड़म कर लेंगे बीजेपी वाले, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। ये समय की दरकार भी है, समय का तकाजा भी है। संविधान बदलने के मूड में है मैं, हम संविधान बचाने के मूड में है। आप लोग सब मिलके साथ दो, हमारा संविधान बचेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, नहीं तो दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, बड़े बुजुर्ग कह के भी गए, पूत का पूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, ये पूत गलत पकड़ लिया आप लोगों ने, सब कुछ बेच डालेगा और बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये मैं कह रहा हूं, मैं भी पढ़ता रहता हूं, जब नौकरी ही नहीं बचेगी तो पढ़ के क्या करोगे? कभी बैठूंगा आराम से आपके साथ, तब बताऊंगा 370 भी क्या है, कभी मौका मिला तो बताऊंगा, लेकिन अनजाने में मत रहो, अंधेरे में मत रहो। हिंदू मुसलमान का बैर है, हटा दो उसको, जल्दी से आओ। आज जब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आपने खतौली की जमीन पर साथ दिया है, तो हिंदुस्तान की हर जमीन पे, हर कोने पे आप हमारा साथ दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।